आदिवासियों के मसीहा और झारखंड बिहार के एक पुराने राजनीतिज्ञ जो ज़मीन से जुड़े थे, बाबा कार्तिक उराँव की आज जयंती है। लिहाजा उनकी जयंती के अवसर पर राजधानी रांची में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग बाईपास रोड हरमू रोड में हैं, जहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो बाबा कार्तिक उराँव को आज जयंती पर याद कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम सरकार की ओर से, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज आज उनको याद कर रहा है, क्योंकि आदिवासियों के हितों की आवाज़ उठाने वाले वो झारखंड के ऐसे मुखर राजनीतिज्ञ रहे हैं जिनके जैसा अब कोई आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुलदेसी जी, बताइए, बाबा कार्तिक उराँव ने आदिवासियों के लिए इतना कुछ किया, आज क्या लगता है आदिवासियों का उत्थान हो पाया है, नहीं हो पाया है, या सिर्फ रस्म अदायगी हो पाया है? देखिए, बाबा कार्तिक उराँव जी ने अपने समय में आदिवासियों के लिए बहुत दूर तक सोच के रखा था कि अगर आदिवासी समाज को एक मंच चाहिए और आदिवासी समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और उसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन भी किया, और आदिवासी विकास परिषद के द्वारा उन्होंने ट्राइबल फंड लाया झारखंड में, या उस समय एकीकृत बिहार था, और आज हम लोग 99वीं जयंती उनका मना रहे हैं। तो बाबा का जो ये यहाँ पर जो उनका जो किया हुआ है, वो जो करके गए हैं, उसे आज पूरा समाज याद रखता है, और यही कारण है कि बृहद रूप से हम लोग बाबा कार्तिक उराँव जी का जयंती मनाते हैं, उनका पुण्यतिथि मनाते हैं। और एक छोटे से गांव गुमला लीटा टोली से, वो उस समय सोचिए कि आज तो ये शहरीकरण हो गया है, लोग डेवलप भी हो गए हैं, लेकिन उस समय इतने मतलब गरीब परिवार से वो निकलकर और लंदन तक, विदेश तक गए, और इतनी सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की। आज अगर हम HEC देख रहे हैं तो उनका डिज़ाइन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं वो भी उन्हीं का देन है। तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है। आज ये कहते हैं कि उनके गांव के आज तक विकास नहीं हो पाया, उत्थान नहीं हो पाया, लग रहा कि बाबा ने जिनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, आज उनका गांव भी उस लायक नहीं बन पाया? बिल्कुल, उनका गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है, और जहां तक हम लोग देख रहे हैं जो सच्चाई है ना, जो खुलकर मैं कहना चाहूँगी कि आज झारखंड बने हुए 22 साल कंप्लीट होके 23 साल ख़त्म होने जा रहे हैं, और उनका 99वीं जयंती है, लेकिन अभी तक जो गुमला जिला का या उनका लीटा टोली का जो विकास होना चाहिए वो विकास आज तक नहीं हुआ। इतने सारे विधायक बने, लोग मंत्री बने, झारखंड सरकार में आदिवासियों का राज रहा है, मगर हमारे ही पुरखे जो इतने विद्वान रहे, हमारे पुरोधा रहे, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल हो, सिद्धू कानू का जन्म स्थल हो, या बाबा कार्तिक उराँव का जन्म स्थल हो, आज तक विकसित नहीं हुआ है, ना ही उनके गांव में आज तक किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, ये दुख होता है कि बाबा का आज तक राजधानी रांची में कोई आदमकद प्रतिमा कहीं स्थापित नहीं हो पाई है? हाँ, सही बात है, यहाँ तो बड़े बड़े नेता इनके नाम से राजनीति करते हैं, पर जो इनका सपना था अभी भी अधूरा है, और हम सभी इनके सपने को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो बात आपने कहा कि अभी तक इनका जो स्टैचू कहीं भी ऐसा विशाल नहीं, सिर्फ एक आप बिरसा एग्रीकल्चर चले जाइए वहाँ आपको दिखेगा। और हम लोग अगले साल प्रयास करेंगे कि HSE जो उनका डिज़ाइन किया हुआ जगह है, डिज़ाइन किया गया है, वहाँ जो इनका चौक है वहाँ एक विशाल मूर्ति हम लोग अपने संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से वहाँ स्थापना करने का प्रयास करेंगे। ये माना जाए कि झारखंड जैसे राज्य में भी बाबा कार्तिक उराँव को अगर भुला दिया जाएगा तो ये तो कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को उपेक्षा ही मानी जाएगी। हाँ, सही बात है, यहाँ इनके नाम से राजनीति तो किया जा रहा है और इनके नाम से आदिवासियों को धोखा भी किया जा रहा है। जो विकास होना चाहिए आदिवासियों का आज तक अधूरा है। आपने सुना किस तरह से तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इस बात से दुखी हैं, मर्माहत हैं कि जो मान सम्मान
होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, इनके गांव का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, आज जयंती के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। ये दीगर बात है कि आदिवासी समाज आज भी अपने दिलों के अंदर इनको रखता है और ये जानता है कि जिस तरह से आदिवासियों की आवाज़ को उन्होंने मुखरता के साथ उठाई थी, यही वजह है कि आदिवासी समाज आज मेन स्ट्रीम में अपने आप को पाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाबा कार्तिक उरांव ने जो सपने आदिवासी मूलवासी समाज के लिए, झारखंड के लिए और इस क्षेत्र में बसने वाले तमाम लोगों के लिए देखा था, उसे साकार किया जा सकेगा। कैमरामैन विकास के साथ राजधानी रांची से शहनवाज। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing System, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.